हिबिकस पौधे के लाभ, जिसमें मिट्टी के सभी लाभकारी घटक होते हैं और प्राचीन काल से औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता रहा है, असंख्य है और हर दिन एक नया लाभ खोजा जा रहा है। हिबिकस का सबसे आम उपयोग, जिसे उच्च विटामिन और खनिज पूल के साथ रसोई में कई व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है, चाय है। सही समय और मात्रा में सेवन करने पर हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ पहुंचाने वाली यह चाय कई शारीरिक समस्याओं का इलाज है। गुड़हल की चाय के नियमित सेवन से क्या लाभ होते हैं, कब और कितना सेवन करना चाहिए, आइए एक साथ जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहां हर दिन एक नए सूचनात्मक वीडियो के साथ हैं। दिन में एक गिलास गुड़हल की चाय पीने के क्या फायदे हैं? हिबिकस चाय का उपयोग पाचन तंत्र की बीमारियों जैसे पेट के एसिड असंतुलन के कारण होने वाले पेट के अल्सर के खिलाफ पेट के रक्षक के रूप में किया जाता है। इसमें मौजूद पादप यौगिक आंतों के असंतुलित कामकाज के कारण होने वाली पाचन समस्याओं के विनियामक प्रभाव दिखाते हैं। ये पाचन में भी मदद करता है और पाचन तंत्र के माध्यम से आंतों के परजीवी को शरीर से बाहर निकालता है। एक गिलास गुड़हल की चाय का सेवन करने के बाद यह आंत में पानी के संतुलन को नियंत्रित करके पाचन को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये पाचन तंत्र में लाभकारी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करता है। इसके अलावा संवहनी प्रणाली में सूजन को कम करने के लिए हिबिकस में पाए जाने वाले खनिज खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। गुड़हल में मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, जिंक और आयरन जैसे कई मिनरल्स, जो आपके दिल के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पदार्थ हृदय प्रणाली की गतिविधियों का समर्थन करते हैं और वाहिकाओं पर यांत्रिक तनाव को कम करते हैं। इसके अलावा गुड़हल की चाय खनिजों से भरपूर होती है, जो आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करती है और यह नियंत्रित करती है कि शरीर द्वारा इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ये शरीर में इंसुलिन के संतुलन को बनाए रखकर ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव को रोकता है। इसमें यौगिक रक्त शर्करा के नियमन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और शरीर द्वारा चयापचय चीनी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा जब गुड़हल की चाय का सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो ये शरीर में अतिरिक्त सोडियम के कारण होने वाली एडिमा से छुटकारा पाने में मदद करता है। ये चयापचय को उत्तेजित करता है और तृप्ति के समय को बढ़ाता है। विटामिन सी, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जिसमें ये शामिल है, ऊर्जा चयापचय में शरीर में वसा कोशिकाओं के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। वहीं जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो गुड़हल की चाय शरीर में अतिरिक्त सोडियम के कारण होने वाले एडिमा से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। स्वस्थ मांसपेशियों और हड्डी के ऊतकों के लिए एक गिलास हिबिकस चाय। इसमें मौजूद आयरन की उच्च मात्रा रक्त में ऑक्सीजन को स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के निर्माण में ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संयोजी ऊतक को भी मजबूत करता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। एक मजबूत संयोजी ऊतक मांसपेशियों और हड्डियों पर भार को कम करता है और हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य में सुधार करता है। रोगों के खिलाफ एक गिलास हिबिकस चाय। इस जड़ी बूटी में उच्च स्तर का विटामिन सी होता है। ये चाय, जो एंटीऑक्सीडेंट के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, में समृद्ध विटामिन और खनिज होते हैं। यह अपने विटामिन सी सामग्री के साथ सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ये श्वसन प्रणाली के सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब नियमित रूप से सेवन किया जाता है तो ये बैक्टीरिया और वायरल ऊपरी श्वसन पथ के रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा दीवार को मजबूत करता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के लिए हिबिकस चाय। गुड़हल में थायमिन और पोटेशियम होता है, जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। ये यौगिक, जो मस्तिष्क की बीमारियों को रोकने के लिए काम करता है और इसके उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ है, कम सेरोटोनिन के कारण होने वाली चिंता, तनाव और अवसाद से भी लड़ता है। तो क्या गुड़हल की चाय का सेवन करने से कोई नुकसान होता है? सबसे पहले हिबिकस, जो पेट और आंतों को विषाक्त पदार्थों से साफ करता है और बैक्टीरिया को फेंकता है, अत्यधिक और अनजाने में उपयोग किए जाने पर मतली, नाराजगी और पाचन तंत्र के कुछ विकार पैदा कर सकता है। इसके अलावा आज वैकल्पिक चिकित्सा में कुछ दवाओं के निर्माण में हिबिकस का विशिष्ट रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे
इसमें कुछ दवाओं के साथ इंटरेक्शन करने की क्षमता है। यदि आपके पास ऐसी दवाएं हैं जिनका आप नियमित रूप से उपयोग करते हैं, तो अपने आहार में गुलाब कूल्हों जैसे मजबूत खाद्य पदार्थों को शामिल करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। दूसरी ओर ये चाय, जो मांसपेशियों को आराम देती है और तनाव कम करती है, अत्यधिक सेवन करने पर कमजोरी महसूस होने जैसे दुष्प्रभाव दिखा सकती है। तो कितना और कब गुड़हल की चाय का सेवन करना चाहिए? विशेषज्ञ सप्ताह में 2-3 दिन एक गिलास गुड़हल की चाय पीने की सलाह देते हैं। इस जानकारी के आलोक में आप अपने आहार में गुड़हल की चाय को शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें।